यूसुफ बलूच और जाम शब्बीर अली से हल्फ लिया। वजीर आला सिंध ने मुबारकबाद पेश की। मौला बख्शांडियो कहते हैं हुकूमत बिखर चुकी, सहारे छिन गए, इमरान खान को अब खुद हुकूमत और पार्टी चलानी पड़ रही है तो कुछ भी नहीं चल रहा। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक तहरीक इंसाफ में इमरान खान के खिलाफ बगावतें उठ चुकी हैं। झूठे वादों और उधार के सहारे पर बिना इकतदार ज्यादा देर कायम ना रहना था, ना रह पाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इनके खिलाफ आशाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड पर मबनी है। हल्फिया कहता हूं कि मेरे खिलाफ ये फ्रॉड केस बनाया गया। प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली है। खताकार इंसान हूं लेकिन मैंने करप्शन नहीं की। एहतसाब अदालत में नून लीगी सदर का बयान। इस्ताद मुनशियात की खसूसी अदालत का राणा सनाउल्ला के सैलरी अकाउंट खोलने का हुक्म। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बताया कि राणा सनाउल्ला के सैलरी अकाउंट में 1,72,500 रुपए तनख्वाह आ रही है। राणा सनाउल्ला के वकील ने इस्तदा की कि कम से कम सैलरी अकाउंट को खोलने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांके। मुस्तरद शुदा अनासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। पाक भारत डीजी एमओज का हॉटलाइन पर राबिता। पाकिस्तान और भारत का कंट्रोल लाइन सीज फायर वाहदे पर इत्तफाक। आईएसपीआर के मुताबिक दोनों अतराफ से हॉटलाइन राबते कायम रखने पर भी इत्तफाक किया गया। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के जरिए गैर मुतवक्के सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत सीज फायर इत्तफाक अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं कि भारत की जानिब से सीज फायर पर अहमद की खुशाइन और मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा आगाज साबित हो सकता है। भारत को खलूस नीयत के साथ इस सीज फायर वादे की पासदारी करना होगी। भारतीय इकदाम से खत्ते को खतरात लाहक रहे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली और इलेक्शन को मैनेज किया। मुस्लिम लीग नून समझती है कि इलेक्शन जीतना इनका पैदायशी हक है। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सबूत पेश किए हैं लेकिन अपोजिशन के वकील के दलाल में कोई सबूत नहीं थे। मफरूजों की बुनियाद पर अपोजिशन ने एतराज किया। अपोजिशन के पास शवाहिद थे ना ही कोई दलील। मीडिया से गुफ्तगु। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रहनुमा MQM राउफ सदीकी सेनेट इलेक्शन के लिए ना अहल करार। PTI के सैफुल्ला अबड़ो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात मंजूर जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए थे। सेनेट इंतखाबात उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुतबादिल उम्मीदवार भी आरओ को दरख्वास्त देकर आज कागजात वापस ले सकेंगे। कागजात की वापसी के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं सबको अपना अपना काम करना चाहिए। PTI ने बलूचिस्तान और सिंध में टिकट बेचे। इमरान खान माफिया के लीडर हैं। PTI की वजह से मुल्की सियासत बदनाम हो रही है। सेनेट में बोलियां लग रही हैं। बाजार खुद PTI ने सजाया है। परवेज रशीद को जारी वाजबात अदा करने का मौका मिलना चाहिए था। शहबाज शरीफ भी सुरखरू होकर अवाम में जल्द आ जाएंगे। चौधरी सरवर कहते हैं सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे और ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात में वोट को इज्जत मिलेगी।
26 मार्च के बाद तारीख की तब्दीली के अलावा और कोई तब्दीली नहीं आएगी। शोरकोट में पाक फजाइया के जेर एहतमाम तकरीब, पाक फजाइया के चौको चौबंद दस्ते की सदर ममलकत और एयर चीफ को सलामी। तकरीब में पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई मार्च का मुजाहरा। सदर ममलकत आरिफ अलवी को पाक फजाइया के हरबी सामान से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान का कल दौरा लाहौर का इम्कान। वजीर आजम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग के बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वजीर आला सेनेट इंतखाबात इत्तेहादियों से मुशावरत पर वजीर आजम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम से सीनियर पार्टी रहनुमा और बुज़दार भी मुलाकात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। आई जी सिंध और दीगर आला पुलिस अफसरान अदालत में पेश। आई जी साहिब, आपके अफसरान जे आई टी पर दस्तखत नहीं करते, अफसरान गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, मामलात खुद देखें, आप बड़े अफसर हैं, लापता अफराद बाजियाब नहीं हो रहे, इकदाम तेज किए जाए। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत, कोशिश करूंगा कि आइंदा अदालत को शिकायत ना हो, आइंदा तमाम जे आई टी पर अफसरान के दस्तखत लाजमी होंगे। आई जी सिंध की यकीन दहानी, अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को तलब कर लिया। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज अकमल खान ने समाअत की। ख्वाजा साद और सुल्तान रफीक ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाह बयान कलमबंद के लिए दोबारा तलब। कोरोना 24 घंटों में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया, अमवात 12,772 हो गई। मजीद 1,361 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,76,000 अफराद कोरोना में मुबतला। 5,40,000 से हिजाब। 23,281 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 25,11,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11,32,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,19,000, ब्राजील में 2,50,000, भारत में 1,57,000, मेक्सिको में 1,83,000, रूस में 85,000, फ्रांस में 85,321, बरतानिया में 1,21,747 और सऊदी अरब में 6,475 अमवात।